खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का राजभवन आज ऐतिहासिक पल का गवाह बना है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर बनाए गए संविधान पार्क में संविधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के राजभवन में गहलोत सरकार ने संविधान पार्क बनाकर अनूठी मिसाल पेश की है। देश में पहली बार किसी राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की परिकल्पना के आधार पर संविधान पार्क विकसित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पार्क का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को इसकी सौगात दी। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गन मेटल से तैयार की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अवलोकन किया। साथ ही यहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए बनाए गए फ्लैग पोस्ट, मयूर स्तंभ, राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमाओं को निहारा। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क की पुस्तक का विमोचन कर पहली प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राजस्थान वीर योद्धाओं की भूमि है। देश की रक्षा में यहाँ के वीर सैनिकों ने बड़ा योगदान दिया। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर जैसे वीर योद्धाओं से लेकर स्वाधीनता के बाद परमवीर चक्र विजेता मेजर सोतान सिंह और कारगिल युद्ध के शहीदों तक राजस्थान के लोगों ने वीरता और बलिदान की अमित गाथाएं लिखी हैं। पद्मथाई और भामाशाह के आदर्शों की मिसाल आज भी दी जाती है और सदैव दी जाती रहेगी। ऐसे विभूतियों की इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि संविधान पार्क में हमारे इतिहास को एक अच्छे अध्याय के रूप में दर्शाया गया है। हमारा संविधान जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। राष्ट्रपति ने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश में कई प्रमुख महिलाओं ने बड़े कार्य किए हैं। हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण योगदान को मैं रेखांकित करना चाहूंगी। वर्ष 1938 में राजस्थान के श्रीहर विलास सारदा ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम की रचना की थी, जो सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान का इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास भी है। तो वहीं समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संविधान हमारी संस्कृति का जीवंत दर्शन है। यहाँ संविधान पार्क बनाने की वजह यही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर सके। राज्यपाल ने सीएम गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का आभार जताकर कहा कि इनके सहयोग और रुचि से ही ये पार्क बनकर तैयार हो पाया है। मैं व्यक्तिशः कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने संविधान उद्यान के लोकार्पण के लिए स्वीकृति प्रदान की और यहाँ आज हम सभी के मध्य उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया है। आज का यह दिन महत्वपूर्ण है इसलिए कि गणतंत्र के मुख्य आधार हमारे संविधान के आलोक में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के राजभवन ने प्रतिभा पाटिल के रूप में देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी थी। आज आप देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश में इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री रही। ये सब हमारे संविधान की वजह से संभव हो पाया। हमारे संविधान पर हमें गर्व है कि महिलाओं को मत का समान अधिकार दिया गया है। संविधान पार्क का यह सपना देखना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है।
इसलिए इस मुबारक मौके पर मैं राज्यपाल महोदय को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनकी सोच थी वो आज यहाँ पर साकार रूप ले चुकी है। अभी हमारी परम सदस्य द्रौपदी मुर्मू जी ने जो विजिट किया है तो बहुत प्रभावित हुई मैं समझता हूँ। लोकार्पण समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सीएम गहलोत की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, लालचंद कटारिया, महेश जोशी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और अन्य क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लोकार्पण के बाद संविधान पार्क का जायजा लिया हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी ने। राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया है। इस दौरान यहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे हैं। संविधान पार्क जिसकी अवधारणा राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल से हुई है और इस संविधान पार्क में यहाँ आप देखेंगे शुरू में फ्रंट जो है इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान पुस्तिका लगाई गई है। इसके बाद आगे संविधान सभा के बारे में जानकारी दी गई है अलग अलग ताम्र पत्रों पर जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ताम्र पत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इन ताम्र पत्रों पर संविधान सभा की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही जो संविधान सभा का लोगो था उसके बारे में बताया गया है। संविधान सभा की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके और साथ ही जो सदस्य थे उन सभी के यहाँ पर चित्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और इसके साथ ही संविधान सभा है उसके बारे में भी यहाँ पर विशेष रूप से प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ आप आगे अगर आप देखेंगे एक महिलाओं का जो समूह है जो कि संविधान के बारे में अपने विचार रख रहा है उसके यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही जो आगे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और अलग अलग हिस्सों में ये जानकारियाँ दी गई हैं कि किस तरह से संविधान यहाँ पर बनाया गया, किस तरह से उसे लागू किया गया, संविधान में आम जन के मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, इन सभी बातों के बारे में संविधान के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। और इसको डिजाइन किया है आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने, साथ ही जो राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी हैं गोविंद राम जायसवाल उन्होंने इसकी परिकल्पना को आगे बढ़ाया है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर राजस्थान का राजभवन ऐसा पहला राजभवन बना है देश में जहाँ पर कि संविधान पार्क बनाया गया है और अब यह जल्द ही आमजन के लिए भी खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सप्ताह में दो दिन यहां आमजन भी संविधान पार्क को देख सकेंगे और भ्रमण कर सकेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।